anything you say is a piece of my superior. Anything you say is a piece of my superior. यार ये प्रीव्यू देखने के बाद तुम लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया मुझे ये तो पहले बता ही देना। और ऐसे ही अगर तुम लोग हेडशॉट मारना चाहते हो, ये तो मैंने सिंपल से आपको ट्रेनिंग के अंदर करके दिखाया ना, मैं जो है 1v1 के अंदर भी ऐसे ही हेडशॉट मारता हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। और क्या मेरी टेक्निक है हेडशॉट मारने की, क्या मैं सेंसिटिविटी रखता हूँ, और क्या जो न्यू ट्रिक आई है वो कैसे काम कर रही है डेजर्ट ईगल वाली गन के अंदर, सब कुछ जो है मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना, और वीडियो पर जो है गाइज लाइक जरूर कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। सो गाइज एक छोटे से इंट्रो के बाद मैं अपनी ट्रिक रिवील करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इक्विपमेंट्स बता देता हूँ कि तुम लोगों को इस हेडशॉट को मारने के लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे। भाई सिंपल सा एक ही इक्विपमेंट लगेगा, वो है गाइस अपना गेमिंग स्लीव्स। आप लोगों के पास जो स्लीव्स होती है ना वो होनी कंपलसरी यार, 10-20 रुपए की आती है, या तो ऑफलाइन मार्केट से खरीद लो या ऑनलाइन खरीद लो, थोड़ा बंडल ले लेना 3-4 का सेट ले लो, और क्या 60-70 रुपए का पड़ेगा तुम्हें ऑनलाइन भी, या उससे सस्ता पड़ेगा, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं डाल ही दूंगा, ठीक है वहाँ से खरीद लेना, नहीं तो यार आपकी मर्जी है ऑनलाइन जाके सर्च करके खरीद लेना। फिंगर स्लीव्स बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प करने वाला है, हेडशॉट रेट तुम्हारा इंक्रीज कर देगा डेजर्ट ईगल से। अब यार तुम लोगों को मैंने जो है इक्विपमेंट तो बता ही दिया कि तुम्हारे पास क्या इक्विपमेंट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और दूसरी चीज जो हमारी मेन है वो है सेंसिटिविटी। अब इसके लिए मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखी है, अगर तुम लोगों ने वो वॉच नहीं करी है तो उसको जाके वॉच कर लो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं डेजर्ट की अलग से सेंसिटिविटी लेकर आया हूं, उसको जरूर तुम लोग अपनी गेम के अंदर अप्लाई करना। मैं एक सेकंड रुको तुम्हें दिखा देता हूं। अब यार तुम लोगों को जो अपना जनरल है उसको 100 पे रखना है, जो कि तुम लोग रखते ही हो, और रेड डॉट जो है तुम्हारा वो 85 पे होना चाहिए। अगर तुम लोगों को डेजर्ट ईगल के हेडशॉट मारने हैं तो उसको जो है 85 पे कर दो, मेरी बात मानो, ये लो एंड डिवाइस में भी काम करेगा और हाई एंड डिवाइस के अंदर भी काम करेगा। अगर नहीं काम करता तो गाइज आप एक दो मतलब नंबर जो है इंक्रीज और डिक्रीज करके देख सकते हो आपके अंदर कौन सी सेंसिटिविटी काम कर रही है, और बाकी चीज़ें तो जो सेम ही है जो आपके है ही वो सब रख देना। और ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपकी डेजर्ट ईगल के अंदर हेडशॉट रेट बनाने के लिए, ओके। और अब जो है हम अपनी मेन टिप के अंदर आते हैं। मैं कोई यार तुम लोगों को ये नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई ड्रैग करो सीधा, ये करो टेढ़ा मेढ़ा करो, यार ये सब तुम लोगों को आता है, मैं गाइस आपको बता रहा हूँ नूब वॉक के बारे में, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर नूब वॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जो है 1v1 कर रहे हो इजीली बंदों को मार दोगे, 1v2 कर रहे हो इजीली बंदों को मार दोगे, क्लैश कॉर्ड खेल रहे हो कहीं भी डेजर्ट वगैरह का यूज है, आप इजीली बंदे को जो है हेडशॉट से किल कर पाओगे, और मेरी बात मानो नूब वॉक बहुत ही तगड़ी है। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ नूब वॉक करनी कैसे है और कैसी सिचुएशन में कैसे सीन होता है। यार देखो अगर कस्टम वगैरह ज़्यादा बंदा ग्लोबल लगा रहा है तो तुम लोगों को ग्लोबल के साथ ही खेलना पड़ेगा, लेकिन अगर बंदा ज़्यादा ग्लोबल वगैरह नहीं यूज़ कर रहा है एंड छुप छुप के रह रहा है तो तुम लोग नूब वॉक का ज़रूर यूज़ करना। और नूब वॉक करते कैसे मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। नूब वॉक करनी कैसे होती है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं जो है सीधा सीधा सा जो बंदे की ओर जा रहा हूँ, मतलब जो है मैं लेफ्ट और राइट करके ऐसे बंदे के सामने जा रहा हूँ एंड बंदे को मौका दे रहा हूँ फायर करने का। जैसे बंदा गाइस आप लोगों के सामने फायर करता है, जैसे आपको लगता है कि बंदे ने अब फायर कर दिया है गाइस, उसी टाइम उस बंदे की फायर करते के साथ ही जो है आपको अपना एम ड्रैग कर देना, एंड ड्रैग करते के साथ ही तुम्हारा सिंपल सा हेडशॉट पड़ जाएगा। इतना इजी है जो है आपका ये नूब वॉक। अब यार तुम लोग अगर नूब वॉक नहीं करना जानते हो उसकी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करो, या कहीं और अपना कस्टम वगैरह खेल के लॉन वुल्फ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी ऐसी जगहों में जाके प्रैक्टिस करो तभी तुम लोग नूब वॉक करना सीख पाओगे। तुम लोग मेरे बैकग्राउंड में भी गेम प्ले देख सकते हो नूब वॉक वगैरह के, एंड इसी वजह से जो मेरे इतने ज़्यादा हेडशॉट पड़ते हैं और आगे भी पड़ते ही रहेंगे यार, क्योंकि नूब वॉक वाली ट्रिक अभी से नहीं है हमारे गेम में, काफ़ी टाइम से, ठीक है। जैसे ही आपका बंदे की तरफ एम रेड हो जाएगा उस टाइम जो है आपको बंदे की ओर फायर कर देना है, ड्रैग कर देना है, फायर नहीं करना ड्रैग कर देना है, हल्के से ड्रैग पे ही आपका जो है ऑटोमेटिकली हेड के ऊपर एम जाएगा या गर्दन के ऊपर एम जाएगा, गर्दन पे भी हेड ही होता है और हेड में भी हेड ही होता है। सो गाइस आप लोगों में भी ये ट्रिक समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी कर दूंगा, ओके, ऑडियो भेज के समझा दूंगा, और वहाँ पे भी नहीं समझोगे तो यार तुम लोग पागल ही हो, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। और मे बी गाइस आप लोगों को जो है ट्रिक अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।